फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, मॉर्निंग में मैंने बोला था कि 30 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसका एक रीज़न जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। दो बच्चे ऐसे थे महाराष्ट्र में जिनका कि OMR बुकलेट और टेस्ट बुकलेट ये दोनों का कोड जो है इंटरचेंज हो गया था। ये इन्विजिलेटर की फॉल्ट थी। हालांकि ये उन्होंने पहले भी कंप्लेन किया था इन्विजिलेटर से, लेकिन इन्विजिलेटर ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन वो दो बच्चे हाईकोर्ट में पहुंच गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इन दो बच्चों के लिए स्पेशल एग्जाम कराया जाएगा। मींस कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर तो आपका पुराना वाला रहेगा नहीं, क्वेश्चन पेपर फिर से बनेगा, फिर से इन बच्चों का एग्जाम होगा, फिर से OMR का वेरिफिकेशन आएगा, आंसर की जारी होगी। ये प्रोसेस कम से कम एक हफ्ते का टाइम लेगा। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि 30th अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट थी वो इन्विजिलेटर की फॉल्ट थी। दो इन्विजिलेटर ने एक का कोड जो पेपर कोड और OMR कोड था वो दूसरों को दे दिया। मीन्स ये फॉल्ट इन्विजिलेटर की थी। इसलिए स्टूडेंट को यहाँ पे मौका दिया गया कि आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा प्रोसेस होगा जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, OMR सीट का और आंसर की वेरिफिकेशन सारा, उसके बाद कहीं फाइनल रिजल्ट आएगा। दैट्स ऑल।